हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अध्ययन क्लासेज। माय सेल्फ संतोष कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू चैप्टर, अ न्यू स्टोरी फ्रॉम एनसीईआरटी हनी कॉम बुक ऑफ क्लास 7, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। लेट अस सी बिफोर यू रीड। निषद, अ बॉय ऑफ 7, आल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। निषद एक 7 ईयर का लड़का है जिसे 7 नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि म्यूजिकल स्केल का जो 7th नोट होता है उसका मतलब भी निषद होता है। और उसकी बहन जो 10 ईयर की है उसका नाम माया है। दोनों ही मिस्टर नाथ के लिए बड़े क्यूरियस हैं। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। एक दिन उन बच्चों का मार्बल मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। एंड निषद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और निषद को एक चांस मिल जाता है मिस्टर नाथ को देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन? क्या वे एक भागे हुए क्रिमिनल थे? वाई इज हिज फेस बैडली स्केयर्ड? उनके चेहरे पे कटे हुए और जलने के मार्क्स क्यों थे? वाई ही हैज नो फ्रेंड्स? और उनको कोई भी फ्रेंड्स क्यों नहीं थे? निषद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज वेरी पोलाइट। निषद की जो माँ एक डॉक्टर हैं वो अपने पेशेंट के रूप में मिस्टर नाथ को जानती हैं कि वो बहुत ही पोलाइट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी पार्ट 1 ऑफ दिस स्टोरी। एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड। जब हम लोग क्लिनिक से वापस आ रहे थे तब 7 ने मुझसे कहा, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। माया, वो बिल्कुल भी किसी दानव जैसे नहीं लगते हैं। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो कितने दुबले पतले हैं? मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। शायद वो बहुत गरीब हो सकते हैं और उन्हें खाने के लिए भी उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ही कांट बी पुअर, ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। फिर मैंने निषद से कहा कि नहीं, वो गरीब नहीं हो सकता है, वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। शायद उसके पास करोड़ों रुपए हैं जो अपने रूम में कहीं छिपा के रखे हैं। Do you really think he is a criminal, Maya? Maya, तुमको क्या सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? He doesn't look like one, क्योंकि वो ऐसे नहीं लगते हैं। निषद looked doubtful. निषद थोड़ा था doubtful लगता है। Of course, he is one, 7, I said. फिर मैंने कहा, हाँ 7, बिल्कुल। And he certainly isn't starving. और वो वास्तव में भूख से नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने रमेश से बताया जो नीचे रेस्टोरेंट से उनके लिए मिस्टर नाथ के लिए भोजन लेके जाते हैं। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन वी पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषद सेड। निषद ने कहा, लेकिन माया, मेहता ने हमें बताया कि वो कहीं काम नहीं करता है। अगर वो कहीं काम नहीं करते हैं तो उनके पास खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। फिर माया ने कहा, हाँ यही तो बात है, वो जरूर बहुत सारा मनी, बहुत सारा पैसा अपने कमरे में किसी संदूक में, किसी बॉक्स में छिपा के रखे होंगे। It's probably full of silver and golds and jewels and वो बॉक्स शायद सिल्वर्स, गोल्ड, सोने जवाहरात से भरा हुआ होगा। What rubbish, निषद interrupted। निषद ने इंटरप्ट किया, ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो? I know I am right, stupid, I told him। मैं सही बोल रही हूँ बेवकूफ़। By the way, 7, did you see his scars? कोई बात नहीं, लेकिन 7, क्या तुमने उनके चेहरे पे जो कटने के जलने के निशान देखे? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। निषद ने मुझसे कहा, नहीं वो नहीं देख पाया क्योंकि बहुत अंधेरा था। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो एक क्रिमिनल है, उनके चेहरे पे जो कटे या जलने के निशान हैं वो जरूर किसी पुलिस से मुठभेड़ में उनको लगे होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्केयर्स, निषद सेड फर्मली। मम्मी ने हमें बताया था साफ साफ कि निषद ने कहा कि उनके चेहरे पे जो निशान है वो
जलने के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. मैंने सेवन से कहा कि शायद पुलिस ने उनके घर को आग लगा दिया हो ताकि वो बाहर निकल आए उनको पकड़ने के लिए, लेकिन अभी भी सेवन श्योर नहीं था। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, आने वाले मंडे को मेरे मॉम का बर्थडे था, सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगाम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड। सेवन मदर के साथ उनके क्लिनिक गिरगाम चला गया और मैं उस इवनिंग को अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ बिताई। When they returned, Nisar told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. जब निषद और मेरी मदर क्लिनिक से वापस आए तो निषद ने मुझसे कहा कि उसे मौका मिला मिस्टर नाथ को देखने का। फिर मुझे बहुत ही खराब लगा कि मैं भी वहाँ होती, मैं वहाँ नहीं थी इसलिए मुझे खराब लगा। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Seven Mr. Nath की gaunt appearance से उनके बीमार जैसी हालत को देख के वो बहुत ही दुखी था और उसे विश्वास था कि वो कई दिनों से खाना नहीं खाए होंगे। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." और उसने मुझसे बताया कि जब वो मिस्टर नाथ के घर पे गया तो उनका दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, मिस्टर नाथ ओपन द डोर क्विकली। द मैन हैड ओपन्ड इट एंड आस्क्ड हिम, लॉस्ट अनदर मार्बल। मिस्टर नाथ ने जब दरवाज़ा खोला तो मेरे भाई से बोले कि क्या तुमने फिर कोई मार्बल खो दिया। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माय ब्रदर, शायद वो मेरे भाई को पहचान लिए थे। नो said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. नहीं, निषद ने कहा, मैंने उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और एक चॉकलेट का बार उनके हाथ में पकड़ा दिया। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. मैंने पूछा कि सेवन, क्या तुम्हें उनके ट्रंक में उनके बॉक्स में देखने का मौका मिला? निषद looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. निषद थोड़ा disappointed, थोड़ा निराश दिखा, फिर उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और थोड़ा मुस्कुराया। But I did find out something, Maya. माया, लेकिन मुझे वहाँ कुछ पता चला। फिर मैं वहाँ से नीचे उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ रमेश काम करते हैं और उनसे बात किया। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. फिर मैंने उसे कहा, Very good, Mr. Detective, Mr. Jasus, उसके पीठ पे थपथपाते हुए, और मैंने ये भी कहा कि तुमने तो बड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछे होंगे उनसे। Seven looked pleased. Seven थोड़ा हैप्पी दिखा। रमेश told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening. रमेश ने मुझे बताया कि वो 2 बार मिस्टर नाथ के लिए खाना ले जाते हैं, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय ले जाते हैं, 1 in the morning एंड 1 in the afternoon, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 chapatis, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। रमेश ने मुझे बताया कि जो मिस्टर नाथ है वो खाने में इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो डेली वही 2 चपाती, कुछ थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी सब्जी खाते हैं। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ पैसे भी देते हैं और टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडेड। सेवन ने और आगे कहा कि रमेश ने मुझे बड़ा ही स्ट्रेंज चीज बताया माया। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम। हर संडे को रमेश मिस्टर नाथ के लिए 2 लंच लेके जाते हैं और मिस्टर नाथ के साथ वही सेम आदमी दिखता है। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। वहाँ पे एक लंबा सा गोरा और बलवान, मजबूत, हट्टा कट्टा आदमी जो चश्मा पहने हुए दिखता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट
अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। और रमेश बताते हैं कि जो उनका विजिटर है, जो आदमी आता है वहाँ पे, वो बहुत बातें करता है और मिस्टर नाथ तो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। नाउ दैट्स वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक। फिर मैंने कहा, निषाद वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, अब हम इंक्वायरीज में थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं, जल्दी हम कुछ तथ्य कुछ फैक्ट्स पता कर लेंगे एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह, एक जासूस की तरह, ताकि हम लोग उस क्रिमिनल को पकड़ सकें। हाउ डू यू डू गो ऑन माया सेवन साइड, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। फिर सेवन ने कहा, माया तुम एक ही बात कैसे कह सकती हो बार बार कि वो एक क्रिमिनल है, तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक क्रूक है, वो तो बहुत ही एक साधारण आदमी दिखते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिपोर्टेड। मैंने कहा, क्रिमिनल साधारण ही दिखते हैं स्मार्टी। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, क्या तुमने कल के न्यूज़पेपर में हैदराबादी हाउस ब्रेकर के बारे में नहीं देखा था। He looked like any man on the street, निषद looked doubtful. क्या वो एक साधारण से आदमी जैसा नहीं दिखता था? निषद थोड़ा सा फिर डाउटफुल हो गया। The monsoons broke the next day. अगले दिन मानसून आ गया। Dark clouds accompanied by blinding flash of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with the heavy downpour. अगले दिन काले बादल बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के साथ आ गए, बहुत ही तेज डाउनपोर बारिश होने लगी और पूरा स्ट्रीट फ्लडेड हो गया, भर गया पानी से। स्कूल वाज टू हैव ओपेंड आफ्टर द समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज के बाद स्कूल खुलने थे, लेकिन बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन इतनी जोर से बारिश हुई, पूरा रोड भर गया था, ट्रैफिक भी आगे मूव नहीं कर सकता था, चारों तरफ पानी भरा था, गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती थी, इसलिए बिना उम्मीद की छुट्टी मिल गई। आई थॉट आईड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विथ अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैंने सोचा कि इस समय को यूजफुली बिताना चाहिए, फिर मैं अपने बेडरूम में रखे हुए डेस्क के पास जाके बैठ गई और मेरे सामने एक पेपर का शीट है। ओके स्टूडेंट्स, Here we have done the first part of the story. See you soon with the second part. Till then, keep studying and stay happy. Bye-bye.